डियर स्टूडेंट्स, यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना 2024 को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है निगल के। आज कल और परसों कहां पर वितरण होगा वो आपको बताने वाले हैं, और रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है वो आपको बताएंगे। टैबलेट की लिस्ट अब कॉलेजों में जारी की जा रही है, सभी बच्चों के लिए अनिवार्य है, इम्पोर्टेंट वीडियो है, पूरा वीडियो जरूर देख लें बच्चों, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर देखिए एक और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हमसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जरूर कर लें। ASPG कॉलेज मेरठ है ना, मवाना मेरठ, जो कि अपलेटेड है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से। इसमें वो है 9/1/2024 को BSc व BCom के थर्ड ईयर के छात्र छात्राओं को 10:30 बजे यहाँ टैबलेट सॉरी स्मार्टफोन मिलेगा। ये नोटिस आई है, इस कॉलेज कौन सा कॉलेज मैंने आपको पहले दिखा दिया है, और 9 तारीख को यहाँ पर वितरण होगा। तो जो छात्र छात्र इस कॉलेज के जाके अपना मोबाइल ले लें, किसी और को नहीं दिया जाएगा, ये कंफर्म लिखा हुआ है नोटिस में। अब देखिए रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसीजर रहता है, बहुत से जो नए बच्चे आते हैं उनको बताऊँगा, पूरा वीडियो जरूर देख लें। ये जो कॉलेज है इसमें भी नोटिस आई है कि यहाँ पर बोला उत्तर प्रदेश शासन के 21-22 के जो बच्चे रह गए हैं उनको अभी तक नहीं मिल पाया है, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश शासन के डिजी शक्ति पोर्टल पर विश्वविद्यालय द्वारा छात्र छात्रों को स्मार्टफोन वितरण होना है, ठीक है। जिसके लिए BSc और 21-22 के छात्र छात्राओं की जो नोटिस पर चर्चा करके अपलाई गई है, और इसमें बोला आधार कार्ड वगैरह आपको लेके जाना है। कब जाना है? 6/1/2023 से, यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है 6/1/2023 से 10/1/2024, यानी कि लगातार 3 दिन है ना, तो 6-7 तो बीत गया, अब तक 8-9-10, तो 8-9-10 यानी 3 दिन लगातार इस कॉलेज में होगा। इस कॉलेज का नाम भी अभी आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर सूचना करने का कष्ट करेगा। देखिए क्या है इस नोटिस के माध्यम, कौन से कॉलेज का नोटिस है, ये वाला दूसरा वाला नोटिस है वो आपकी स्क्रीन पर है ना, अपलेटेड टू, ये जो है हमारा दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी से अपलेटेड कॉलेज है, और ये कौन सा कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो इस तरीके का नोटिस जारी की गई है, तो जो बच्चे इस कॉलेज के हैं जाके अपना अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। रजिस्ट्रेशन नहीं मतलब वहाँ जाके अपना जो भी चीज़ मांग रहे हैं, लोग जमा करने को कह रहे हैं, तो जमा करा लें। ये चीज़ें फिलहाल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ है ना, कहाँ कहाँ वितरण होगा वो आप लोगों ने देखा, ये दो नोटिस मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर भैया 3 दिन लगातार वितरण होगा, ठीक है। तो ये कॉलेज है, यहाँ पर भी वितरण होगा, कहने का मतलब वितरण हो रहा है लगातार, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ ऑफिशियल नोटिस। अब बात आती है, सर मैं नया हूँ तो मेरा रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, मुझे रजिस्ट्रेशन किसी लिंक पर करना होगा, या जो लिस्ट आएगी वो कहाँ आएगी? देखिए आप लोगों की जो लिस्ट आती है टैबलेट की वो आपके कॉलेज में आती है, ठीक है, आपके कॉलेज के जो नोडल अधिकारी हैं वहाँ पर आती है। अब बहुत से कहते हैं मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं परंतु वर्तमान में दूसरे राज्य में पढ़ाई कर रहा हूं, क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूं? तो नहीं, अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो उत्तर प्रदेश में ही पढ़ाई करते हो तभी आपको मिलेगा, अगर आप अदर स्टेट के रहने वाले हैं यूपी में पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है बच्चों का, वो ये आता है, यहाँ देखिए क्या छात्रों को इस रजिस्ट्रेशन करना होगा, इसके लिए किसी में रजिस्ट्रेशन वगैरह करना होगा? उत्तर आ रहा है योजना का लाभ उठाने के लिए छात्र को किसी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन या आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान से सुनो, उन्हें उनके संबंधित कॉलेज या संस्थान विश्वविद्यालय द्वारा MMS ईमेल नोटिस अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से सूचित किया जाएगा, यानी उन्हें वेबसाइट के माध्यम मतलब उनको कॉलेज के थ्रू, यह लिखा नहीं है, उन अपने संबंधित कॉलेज विश्वविद्यालय के थ्रू इस मतलब आधिकारिक वेबसाइट के बारे में सूचित किया जाएगा, मतलब वहाँ पर कॉलेज वाले आपके भरेंगे, आपको नहीं भरना है कोई फॉर्म, क्या है आपके कॉलेज वाले जो भी हैं आपके कॉलेज से नोडल अधिकारी जो हैं वो इस चीज़ को भरेंगे, यह स्पष्ट लिखा हुआ है, आप लोग उधर उधर की लिंक के चक्कर में ना आए, स्पष्ट लिखा है बिल्कुल कि ये जो है आपके कॉलेज के जो नोडल अधिकारी हैं भैया वो इस चीज़ को भरने वाले हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ऑफिशियल नोटिस में लिखा हुआ है, आपकी स्क्रीन पर भी दिखता होगा ऑफिशियल, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, अपने कॉलेज के संपर्क में रहो, अपने कॉलेज वाले जो कह रहे हैं उसको मानो, और बहुत से बच्चे इधर उधर की जो फेक लिंक है उस पर रजिस्ट्रेशन आप ना करो, मैं तो यही कहूँगा आपसे, ठीक है। अगर आपके कॉलेज वालों ने आपको लिंक दिया है तो उस पर रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, उधर उधर की जो फेक और फेक लिंक वायरल होने उस पर आप रजिस्ट्रेशन ना करो, जो आपके कॉलेज के थ्रू आपको लिंक मिले उस पर आप रजिस्ट्रेशन जरूर कीजिए, ठीक है।
तो अभी देखिए 4 जनवरी को ही छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन मिले हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, गोरखपुर 4 जनवरी की न्यूज़ है। गंगोत्री देवी महाविद्यालय में तृतीय वर्ष की छात्र छात्रा गुरुवार को यहाँ पर स्मार्टफोन बांटे गए हैं। अब देख सकते हो आप लोग, पागल चेहरे खिल उठे बच्चों के, और ये भी लिखा रहा है मतलब इन्हें फ़ोन के लिए काफ़ी मददगार होगा। तो यहाँ पर 4 छात्रा को टैबलेट मिले 4 जनवरी को, तो ये मुझे आपको बताना था। कहने का मतलब बच्चों ये, लगातार टैबलेट का डिस्ट्रीब्यूशन हो ही रहा है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं, तो यही मुझे आप लोगों को बताना था। तो फिर डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियोज़ को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे मुझे आपको क्या बताना था, फुल वीडियो अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो। ठीक है, तो फिलहाल आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।